कल हम जाएंगे ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पे। तो आपने डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करना है। तो हमें ब्रेकफास्ट मिले दो अंडे पूरी दाल उत्तरकाशी। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30। अब हम उठ गए हैं ट्रेनिंग के लिए और चाय की घंटी बज चुकी है। तो रेडी होता है 6 बजे तक। और आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग में जाने से पहले अपना जो बिस्तर बिस्तर है उसे फोल्ड करके एकदम ऐसे मतलब बिस्तर छोड़ने से पहले अपना रूम क्लीन करके और अपना बिस्तर फोल्ड करके। तो यहाँ पे सारे लड़के तैयार भी हो गए। अभी देखो टाइम हो गया 5:30, यानी कि 6 बजे तक हमें ग्राउंड में पहुँचना है। तो मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर में आते हो ना तो ट्रेनिंग शुरुआत होती है उसी रूम से जहाँ पे आप रहते हो। तो देख रहे होंगे सबके बिस्तर फोल्ड हो गए, सबने अपने गद्दे वगैरह फोल्ड करके। और भाई सफाई कर रहा है। 4 मिनट हमने भी पहन लिया गर्म टोपी क्योंकि बाहर ठंडा है। और गर्म टोपी हमने पहन लिया और ट्रैक सूट हमने पहन लिया। तो अब हम जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे क्योंकि ठंडा भी बहुत है। तो टोपी वोपी तो वही है क्यों। तो ये है हमारे ट्रेनिंग का शेड्यूल, ये हमारे ट्रेनिंग का शेड्यूल है। तो इसमें तो कुछ साथ दिख नहीं रहा है लेकिन इस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। तो गाइस दौड़ रहे हैं, हालत खराब हो गई यहाँ। तो टाइम हो रहा भी 6:30 चढ़ाई पे लग रखे हैं दौड़ने के लिए। इसके बाद होगी पीटी और फिर आगे की एक्टिविटीज। मॉर्निंग व्यू एट उत्तरकाशी। सारे ट्रेनिंग दौड़ के वापस पीटी पोजीशन में। यहाँ हो गया पीटी, पीटी के लिए जा रहे हैं। पीटी 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 के लिए और बॉयज भी रेडी। टाइम हो गया 8 बजे और ब्रेकफास्ट के लिए सारे लोग लाइन से ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। तो गाइस अभी खाना खाने के लिए सब ब्रेकफास्ट के लिए वी आर रेडी। तो ये हमारा मैस। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो सभी लोग लाइन पे लगे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो लाइन लगी है ब्रेकफास्ट के लिए। हमने भी उठा दिया गिलास। तो हमें ब्रेकफास्ट मिले हैं दो अंडे पूरी दाल चीज और स्वीट डिश और सेव। तो नाश्ता लगभग हमने फिनिश कर दिया सबने और इसके बाद आते हैं हम रूम में। और ट्रेनिंग जितने नीम में आ रखे हैं वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। और इस साइड में देख रहे होंगे सब लोग खाना खा रहे हैं। तो 8:30 हो गई है। अब भाई हम थोड़ा आराम करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे ऑडिटोरियम में। तो ये रहा हमारा ऑडिटोरियम और टाइम देख रहे होंगे आप 8:50 हो गया। तो हमारे ऑडिटोरियम में हम बैठ चुके हैं और तो अभी हम सबसे पहले आगे थे ऑडिटोरियम में। तो हम बैठ गए हैं ऑडिटोरियम में। हमारी 10 के भाई लोग हैं, ब्रेकफास्ट सबसे पहले कर लिया था तो हम आगे थे ऑडिटोरियम में। तो सारे बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे बैठ गए हैं ऑडिटोरियम में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारा हो गया खत्म। मेजर सर ने हमें बताया। तो अभी हम पूरे नीम का मतलब इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब घूमेंगे, इंस्पेक्शन तो हो गया मतलब अब हम पूरा घूमेंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी नहीं, अभी ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है तो अभी हम बाहर चलेंगे, देखते हैं पूरे 70 हेक्टेयर में जो। तो ऑडिटोरियम से बाहर आते ही यहाँ पे मिलेगी अभी हमें टी। उसके बाद हम पूरा नीम का NIM का पूरा घूमेंगे इसमें। तो चाय और ओरियो के बिस्कुट के साथ आज का टी ब्रेक। तो एक बार फिर से हम चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। अभी हमें पूरा कैंपस घुमाया जा रहा है। कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हमें जाना अलाउड है, कहाँ नहीं है, वो सब हमें बताया जा रहा है। तो देख रहे होंगे पूरी टीम्स 150 का बैच है, 150 कोर्स है। तो उसमें से सबके सब लोग अभी जा रहे हैं कैंपस घूमने। ये है ज्ञान हॉल।
ये है पाइन बॉल। तो जो आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं ये है ज्ञान हॉल और यहाँ भी हमारी क्लासेस चलेगी एक दिन की। और ये है पाइन बॉल, यहाँ क्लाइंबिंग के लिए बनाए। इस साइड को हमारी लाइब्रेरी है, फालतू टाइम में अगर जिसको लाइब्रेरी में जाना वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करेगा और जिसको नहीं करना है वो ऊपर गेम खेलेगा, गेम के लिए बास्केटबॉल और वॉलीबॉल है। और ये है हमारा कैफे, यहाँ पे अगर किसी को ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब चाय वाय कॉफी फालतू टाइम में कॉफी वॉफी पीना है तो यहाँ जाके बैठ सकता है। और फिर अभी चलते हैं आगे आगे, जो भी हमारे माउंटेन जो हमारे कोर्स चलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो फीचर्स दिखते हैं हमें, चाहे वो माउंटेन हो एक्टिविटी का हो क्रैक वॉक हो, सारे इसके अंदर क्या है मेंशन है, बना रखे हमने। पर बट ये इसमें क्या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये काम चल रहा है। अभी अगर आपको विजिट करवा दे तो 160 कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 2 घंटे, फिर आपकी जो आगे की क्लास है वो शिफ्ट हो दी जाएगी। हम टाइम निकालेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग आपको विजिट करवाएंगे, क्लियर। फ्री टाइम पे यहाँ पे आप आ सकते हो, कब इवनिंग में या आफ्टर। ये है यहाँ का ऑडिटोरियम जहाँ हम थोड़ी देर में विजिट करेंगे। एंड ऑडिटोरियम में बैठिए तो आपने यहाँ चारों तरफ नहीं घूमना है, तो यहाँ पे और 6 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ रखे हैं, चमोली पौड़ी नैनीताल और अल्मोड़ा से भी यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं। तो आपको टाइम मिलेगा अपने कपड़े वॉश करने के लिए, क्लियर बताया होगा आपको। तो ये यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे टेम्पल जैसा, तो यहाँ पे अपने कपड़े आप दे सकते हैं धोने के लिए, बट उसका चार्ज पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि 12 दिन है जी सर, तो आपने डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करना है। या अगर हमें कपड़े वोड़े वॉश कराना है तो वही साइड देना है, और मेडिकल रूम भी अंदर ही, अगर कोई मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें यहाँ पे डॉक्टर साहब 24 से अवेलेबल इमरजेंसी में अवेलेबल है। टाइम हो गया 1:10 और अभी हम खाना खाने के लिए रेडी हो गए हैं, हमारा लंच टाइम होगा अभी, तो खाना खाते हैं। अभी हम क्लास छोड़ के आए तो अभी खाना वाना खाते हैं, अब आगे व्लॉग में दिखाते हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर पे आना तो लाइन लगना तो जरूरी है, क्योंकि अब ये दिन का लंच हो रहा है तो कुछ लोग यहाँ लंच करने के लिए बैठ गए हैं और हम अभी लाइन पे ही लगे हैं लंच करने के लिए। इधर हमारे इंस्ट्रक्टर खाना खा रहे हैं, तो आगे अब बाद में। एक जो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई यार, मतलब डे वन खेती से शुरू होकर और पूरा राइस बनने तक कितना लॉन्ग टाइम। तो लंच में हमें मिला एक नींबू का पीस, सब्जी सलाद दाल रोटी चावल 2 रोटी लिया हमने, जितना आपकी मर्जी आप दे सकते हैं। तो और भी गेट फॉर लंच। तो गाइस अभी हमारे यहाँ पे रिंकू भाई मिल गए हमें उत्तरकाशी में, रिंकू भाई क्या है। तो अभी हमारा क्लास का टाइम हो गया तो हम रिंकू भाई से लेते हैं अलविदा, तो फिर मिलते हैं बाद में। रिंकू भाई देख रहे होंगे किस तरह से सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ, ऑल कैंडिडेट के लिए सबके लिए अपना प्रश्न सामान मिलेगा, तो इनको सामान डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो हमें इसके बाद सामान मिलेगा। ये हमारी रूप नंबर 5 है सागर को, और हमारी पार्टी में टोटल 10 मेंबर है तो सबको सामान डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 10 जना। तो गाइज अभी हमें सारा इक्विपमेंट मिल चुका है और कल हम जाएंगे ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पे, तो हमारे पास हेलमेट हार्नेस जितना भी इक्विपमेंट होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए तो हमें मिल गया है। गाइस देख रहे होंगे पीछे पूरा सामान लगा हुआ है, तो हमारे पास पूरा ट्रेनिंग का पूरा सामान हमें मिल गया है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा दिन में। ओके तब तक टाटा बाय बाय।